तो अभी ज़बरदस्त वाला ट्रैकिंग चल रहा है, और ये ट्रैकिंग क्यों चल रहा है और क्यों कर रहे हैं हम ये ट्रैकिंग, वो हम आपको बताएंगे जब हम हमारी मुकाम और मंजिलात पे पहुंचेंगे। लेकिन पानी का आवाज़ से तो आपको पता चल ही गया होगा कि मतलब वैसे क्या है सिनारियो, पर नहीं, हम आपको थोड़ा डिटेल में बताना चाहते हैं, और डिटेल में बताने के लिए थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। मैं जानबूझकर कैमरा उस साइड नहीं कर रहा हूँ, जिसकी वजह से क्या है कि व्यू मुझे आपको एकदम खतरनाक वाला व्यू दिखाना है, और यहाँ पवन बहुत ज़्यादा है इसलिए ड्रोन तो नहीं उड़ पाएगा, लेकिन सब इस साइड से चलते मेरे हिसाब से बहुत जोरदार वाला व्यू दिखने वाला आपको, और बस दिल थाम के बैठे हो और नीचे जो सब्सक्राइब का लाल बटन है उसको दबा दो पहले। A few moments later, जो व्यू है वो बैक वाटर का, लेकिन बैक वाटर का व्यू भी कितना क्लियर है यार, मतलब पूरा पानी जो है वो आप ऐसे देख सकते हो, ऊपर आर पार देख सकते हो, पानी के अंदर भी आर पार देख सकते हो। बहुत ही ठंडा ठंडा पानी है, बट यार ये बैक वाटर भी बहुत ही क्लियर है, बहुत ही मस्त वाला है, और सख्त है भाई, मतलब नहाने के लिए ये बेस्ट है आई थिंक, मेरे को लग रहा है। पर क्या कि मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है अपने चालू पानी के अंदर, जहाँ पर पानी चलता है तो वहाँ पे ज़्यादा मज़ा। बंद कर दो तो बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस रिवर क्रॉसिंग यहाँ पे हो रही है। वाओ, चिल्ड आइस्ड वाटर। आप अभी चेक कर सकते हो कि हम अभी कहाँ पे हैं, इन द मिडल ऑफ वाटर, इस साइड और इस साइड दोनों साइड पानी है, और पानी के बीच में हम हैं, और अभी हमारा रिवर क्रॉसिंग का कोर्स चल रहा है। तपन इज़ द डायरेक्टर ऑफ द कोर्स, तपन को याद है हमने वो रिवर क्रॉसिंग, भयानक वाली रिवर क्रॉसिंग करी थी जब हम वो कौन से वाले पे गए थे, देवकुंड वाटरफॉल पे गए थे। तो ये आप देख रहे हो कैसा कैसे रास्ते हैं, लेकिन ये रास्ते कुछ अल्टीमेट जगह पे लेकर जाएंगे, और वो अल्टीमेट जगह देखकर ही आप दंग रह जाओगे। मैं आपको जो अभी जो नज़ारा दिखाने जाने वाला, अरे यार मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, क्या जो मतलब इतना सख्त वाला नज़ारा है वो कि आप अभी मैं क्या बोलूँ यार, अभी देख लो आप, देख Thank you.
बादगर डैम, ये बादगर डैम का इलाका है और ये बोर के थोड़े से आगे आते हैं। हमने जब लास्ट वीक में आपको नेकलेस पॉइंट दिखाया था वो नेकलेस पॉइंट से पूरा आगे आता है और ये जो चीज़ था उसको आप साधारण ऐसा वैसा डैम मत समझो, ये बहुत बड़ा और बहुत जबरदस्त वाला है। आपको वीडियो से तो पता चल ही गया होगा लेकिन यहाँ पे आपको देखने जो मिलेगा वो लाइक इनक्रेडिबल। स्टील वाटर है, छोटे छोटे वाटरफॉल्स हैं और मतलब लाइक पानी को फ्लो इतना जोरदार तरीके से जा रहा है और पूरा का पूरा जो एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एकदम मतलब ब्लू कलर का पानी इंडिया के अंदर, मतलब लाइक बहुत ही अच्छा। और सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे कुछ क्लिफ पॉइंट्स है, वो क्लिफ पॉइंट से आप अगर उसका नज़ारा देखते हो तो मतलब लाइक एकदम जबरदस्त वाला नज़ारा दिखता है और ऊपर से पूरा फ्लो बहुत ही और अच्छी तरीके से देखता है। तो आप भी अगर आना चाहते हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बेंगलोर पुणे का जो हाईवे है वहाँ पे आपको कपूर होल करके एक जगह होगी, वहाँ से आपको राइट ले लेना है और राइट लेके आप बोर्ड से थोड़ा सा आगे आओगे आपको ये जो चीज़ है वो देखने मिल जाएगी। और ये कोई ऐसा कोई एडवेंचरस या कोई टफ या हार्ड वाला कोई ट्रैक नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसा इतना हार्ड वाला ट्रैक नहीं है, यहाँ पे आप आओ और एकदम चिल तरीके से आप मजे ले सकते। भाई साहब ये व्यू देखो आप यार, मतलब अमेजिंग है। ये वहाँ पे डैम है पूरा और ये भी डैम है और ये डैम में से पूरा जो पानी आ रहा है वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आई डोंट नो आपको किस तरीके से दिख रहा होगा लेकिन जो ज़बरदस्त वाला चीज़ है ये बैक वाटर है और ये बैक वाटर भी बहुत ही ज़बरदस्त क्लीन है। जब का मौसम बदल रहा है, जोरों से बारिश होना शुरू हो गई है और पीछे तो आप देख ही रहे हो क्या है, क्या पूरा बचा के रखा है। उस साइड को देखो वो बढ़ता ही जा रहा है रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, बारिश बारिश है। अभी सब सामान पैक करके रख दिया है, अभी क्या कि एक बार Yeah.